वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, गुजरात में कहा जाता है अभी दिवाली के बाद ही नया साल शुरू होता है, तो नए साल के अवसर पे हमें अजीत सर ने यहाँ पे इनवाइट किया है स्पेशली। कंपनी में बुलाते हैं, मतलब कंपनी में हम जाते हैं और आज यहाँ पे कंपनी का मिल का काम है, तो यहाँ पे शुभ दिन है, तो सर ने हमें इन्वाइट किया है, तो हम आए हैं यहाँ पे, तो सभी से मिलते हैं। और अभी हम सबसे पहले अजीत सर से पूछेंगे कि आज नया साल है तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? हाय गाइस, सबको शुभराज ग्रुप से तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलिप भाई और हमारे दिनेश भाई, राज भाई सब आ गए यूट्यूब पर, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आज मेरे वर्कर के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे सब वर्कर खड़े हैं, तो आप लोगों को जो भी सवाल करना है तो हम कर सकते हैं। तो पहले तो है ना, हमसे सवाल करने से पहले हमारे लेबर को सवाल करो, वर्कर को सवाल करो कि यहाँ सुविधा क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो भाई लोगों, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एकदम बढ़िया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत अपने सर की कंपनी में? पानी का सुविधा, नहाने का सुविधा सब मिल रहा है, क्या बोलने का? मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हमको, कोई नहीं, कोई तकलीफ नहीं हमको। तो आज नया साल है, सर भी बहुत खुश है, सभी लोग बहुत खुश है। कल ही हमने शुभराज 3 और 4 लॉन्च की है, तो अभी थोड़े दिन में ये भी शुभराज फैशन प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, या नाम चेंज कर देंगे हम, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। ये भी बात और है। और हम चाहते हैं हमारे आदिवासी मेरे समाज के लोग कि देखो, यहाँ पे हम मिलजुल के रह रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ एक समाज पे डिपेंड नहीं है। हमारा संकल्प है मेरे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम दूँ, लेकिन 4 दिन काम करते हैं, जब भी मैं आदिवासी कारीगर उठा के लेके आता हूँ, 4 दिन काम करता है, 5वें दिन में वो रजा गिरा देता है, इसके वजह से हम परेशान, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो मेरे आदिवासी भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाले भी लेबर होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए। मेरा एक यहाँ से निवेदन है मेरे समाज के अभी नए नौजवान लड़के हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और हमारा जैसे जैसे अलग अलग मशीनरी है उसमें कारीगर बनते जाए, ताकि है ना ये लोग बहुत दूर से आना नहीं पड़े। हमको 4000 के ऊपर वर्कर चाहिए, कम से कम 4000 के करीब करीब वर्कर चाहिए ये MIDC के अंदर में। हमारे पास आदिवासी कारीगर सिर्फ 225-226 के करीब करीब है, बाकी कहाँ से लाएंगे हम? इसलिए हमको मजबूरी से बाहर से लोग लाना पड़ता है। यहाँ रोजगार का कम नहीं है, लेकिन काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाले का ये चाहिए, दूसरा कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पे। फिलिप भाई, आज आप भी मुस्करा रहे हैं, फिलिप भाई भी बहुत खुश है, लेकिन फिलिप भाई का गले में दिक्कत है, गला खराब हो गया है, इसलिए आज नहीं बोल पाएंगे। ये कमेंट बैड कमेंट सुन सुन के नाराज हो जाता है। तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जो बैड कमेंट वालों को आप कुछ कहना चाहोगे? उससे मेरा कुछ वास्ता नहीं है, मैं उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ, वो क्या लिखता है क्या नहीं लिखता है, लेकिन मेरी ID 4-5 मैं लड़के के पास मैं दे दिया हूँ, वो कमेंट कर देते हैं उनको सामने। मैं कभी कमेंट में करता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरी ID दिया हुआ है, तो वो ID से मेरे जो स्टाफ के लोग हैं वो कर देते होंगे शायद, लेकिन अभी जिसका नियत जिसकी सोच वैसी ही नियत रहेगी, हम बोल नहीं सकते उसमें। अगर किसी को बुरा लगता है हमारे 4 बैंड से, तो आप हमारा बैंड मत देखो या हमारा वीडियो मत देखो, हमको कुछ ज़रूरत नहीं है, और मार्केट के खिलाड़ी है, मार्केट में आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। एक नहीं चलता, 2 नहीं चलता, ऐसे बता रहे हैं, लेकिन हमारा 4 ही बैंड है ना, फुल बुकिंग हो चुका है, आप फिक्र मत करो। और सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा जी, जो ये MIDC है, इसका एड्रेस क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता, इसलिए ये कमेंट आती है। G1 MIDC नवापुर कोटड़ा गाँव, कोटड़ा गाँव शिवार में आता है, ये ब्लॉक नंबर G1 आता है, G1 में आ जाने का, ये शुभराज फैशन प्राइवेट लिमिटेड 5 दिन के अंदर में यहाँ बोर्ड लगेगा, अभी हम नेम चेंज कर रहे हैं इसका, 5-6 दिन के अंदर में
शुभराज फैशन प्राइवेट लिमिटेड जैसा सूरत में है वैसा ही नाम यहाँ भी रहेगा। तो किसी को पूछ लेंगे तो वो तो बताइए। हाँ वही बता देंगे या शुभराज का डाल देंगे, ये सीधा लेके आएगा लोकेशन, हम अपडेट करवा रहे हैं दो दिन में। और फिलिप भाई, मैं दिनेश भाई से बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, कल अभी नेते लोग आते जाते हैं उसके लिए मेरे को दो तीन फोन आया है कि आप उनसे दूर रहो ऐसा। लेकिन मैं ये उन लोगों से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे MLA साहब लोगों के साथ में हमारा 20 साल हो गया है संबंध है मेरा। तो मेरे यहाँ शुभराज में आने के लिए नहीं, मैं BJP वाले को रोकता हूँ। आपके सामने तो बहुत सारे नेता आके जाते हैं, अपन वीडियो बनाते नहीं हैं, पहली बार वीडियो बनाया तो बहुत सारा फोन आ गया। कभी अभी सरोज दादा आया तो उस कांग्रेस वाले को खराब लग गया, कांग्रेस वाला आया तो BJP वाले को खराब लग गया। तो मेरा नज़दीक भी कोई वास्ता नहीं है पॉलिटिक्स लोगों के साथ में या पॉलिटिक्स के लिए। तो माफ़ करना कि हमको वो नज़रे से मत देखो को ये भी उधर से उधर ये पक्षपात में नहीं जाना, पक्ष और धर्म में हमारा कुछ भी वास्ता नहीं रखते हैं, हम सभी के साथ में मिलजुल के रहते हैं। ओके और आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमारा अभी बोनस का कार्यक्रम होगा, हमारे वर्कर को और सबको हम हमारे तरफ से कुछ गिफ्ट करते हैं हर साल, तो वैसे ही साल में भी गिफ्ट करेंगे। का बोनस सर देने वाले हैं। अगर कोई वर्कर कुछ कहना चाहोगे अजीत सर के बारे में? नहीं कुछ नहीं कहना, उनके बारे में कुछ नहीं कहेगा, बहुत अच्छा आदमी है, पार्टी ने फाइनल कर दिया, वो हमारे यीशु बाबा है, आदमी है समझे, वो हमारे यीशु बाबा है। अभी तक देखो ये मेरा 66 टोटल है, 66 यहाँ सूरत में हमारा 200 के ऊपर स्टाफ है। हम सूरत में ज़्यादा वक्त नहीं देता हूँ, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मेरे वर्कर कितने खुश है या नाराज है। हम बार बार मैं अपडेट लेता रहता हूँ मेरे मैनेजर और मेरे मास्टर से, मैं भले यहाँ पे 8 दिन में एक ही बार आता हूँ, ये टाइम नहीं मिलता उसकी वजह से नहीं आता, उनको भी पता है, ये लोग ही मेरे मालिक हैं हमारे, ये लोग ही चलाते हैं, ये कपड़ा बेचते हैं ऐसा समझ लो हमारा कुछ। मैं जब से ये लोग है तब तक मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ, खुद चला लेते हैं। तो ऐसे लोग वो सब फैक्ट्री वाले को मिलना चाहिए, और फैक्ट्री वाले भी दूसरे ऑनर है हमारे, वो भी ऐसे ही लेबर के साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए, सही तरह से उसको उसका जितना डिमांड है, लेबरों का जितना डिमांड है जितना उसको हो सके, गवर्नमेंट का एडवाइजरी है, उसके आगे भी हम नहीं जा सकते हैं। कपड़ा मंत्रालय का जो नियम बना हुआ है उसके हिसाब से सब लोग चलना चाहिए। मेरे ऑनर को भी बताना चाहता हूँ, सब ये बहुत दूर से आए हैं, 2,000 किलोमीटर से यहाँ रोजगार करने के लिए आए हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पानी से लेके सब चीज़ के लिए कुछ शिकायत है, पहले हमारे एक ग्रुप ने प्रोटेस्ट किया था, तो पानी या कुछ चीज़ पे ये मुद्दे पे प्रोटेस्ट किया था, तो उसके बारे में हमने पूछ लो उनको। मेरे यहाँ ये पीने का पानी है, RO लगा हुआ है, ये नाम भी लेता है वहाँ से, पूछो उनको। मैं तो ना लेता हूँ पूरे ना, पानी में ना लेता हूँ मैं, इतना सुविधा कर दिया हूँ। वाटर कुछ ज़्यादा हो जाता था, ठंडा से ना लेता है, ना लेता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है हमारा मुहूर्त का, तो अपन अभी अंदर का काम करते हैं, ठीक है? चलो हमारा स्टाफ आ गया है, देख सकते हो। और सबको शुभराज ग्रुप के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और ऐसे ही चलते रहो साथ में, शुभराज के साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद।